नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने पेंशन भीन साथियों का चैनल एनएमओपीएस झारखंड को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनएमओपीएस झारखंड की कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि अब बहुत हुआ इंतजार, वादा करो पूरा सरकार कार्यक्रम के तहत 15 एवं 16 दिसंबर को झारखंड के सभी विभागों के कर्मचारी एक बैच लगाते हुए झारखंड सरकार के यह विरोध जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपने जो वादा किया था अपनी सरकार बनने से पूर्व, आपने 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी आपने आज तक पूरा नहीं किया है। इसी सिलसिले में झारखंड के सभी विभागों के कर्मचारी जैसे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, ये सारे विभागों के कर्मचारी यह विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सरकार बनने से पूर्व अपनी चुनावी सभाओं में बार बार यह घोषणा कर चुके थे, लेकिन सरकार बनने के बाद आप ना ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज तक कोई ठोस कदम उठा रहे हैं, ना ही कोई इस पर निर्णय ले रहे हैं। इसी सिलसिले में झारखंड के सभी विभागों के कर्मचारी यह विरोध जता रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उसका पूरा करने का समय आ गया है। इसी सिलसिले में एनएमओपीएस झारखंड के केंद्रीय कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि 15 एवं 16 दिसंबर को सारे विभागों के कर्मचारी बैच लगाते हुए यह विरोध जताएंगे कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए जल्द से जल्द, अन्यथा आने वाले दिनों में हम और भी बड़े आंदोलन करने की संभावना है। आइए इस सिलसिले में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज के विरोध जताने का कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उन लोगों का विरोध करने का यह तरीका किस कारण से और क्यों किया जा रहा है। आप लोग क्या मांगे हैं सरकार से? आज हम सभी दुमका पुलिस मेन एसोसिएशन के तरफ से और केंद्र के भी हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा इस 2 दिवसीय योजना का, हम लोगों को जो सरकार के विरुद्ध पुरानी पेंशन योजना का लागू किया था, पुरानी पेंशन को हटाकर नए पेंशन स्कीम को जो लागू किए हैं उसके विरोध में हम लोग कार्य करते हुए विरोध दर्ज कर रहे हैं। चूँकि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लोग उस योजना का लाभ उठाते थे और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक योजना का लाभ उठाते थे, पूरे परिवार के सदस्य उसका लाभ लेते थे, परंतु नए पेंशन स्कीम के जिसका कोई और छोर का अभी तक पता नहीं चल पाया है, हम लोगों की भविष्य भी जो है वह अधर में लटकी हुई है। और सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में भी वादा किए थे कि हम सरकार में आते साथ इस योजना को, पुरानी पेंशन योजना को हम लोग लागू करेंगे, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। इसी के विरोध में आज हम लोग 2 दिनों तक कार्य करते हुए इस बैच को लगाकर हम सब सरकार की ओर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।